हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस, मॉडल, डांसर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ईशा मालविया के बारे में। ईशा ने 19 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और ये सब के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है और लोगों के बहुत नेगेटिव थॉट्स का भी सामना किया है। जहाँ पर ईशा की माँ चाहती थी कि ईशा को टीवी में एक छोटी सी पहचान मिल जाए, वही ईशा ने टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। गैस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईशा मालविया के लाइफ स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे ईशा मालविया के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इनके फैन हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। रात कुड़िया नाल घूमदा मेनू बड़ा सतावे, मैं जी खुशियां तो चढ़या आज वेला वे। इनका फुल नेम है ईशा मालविया। इनका जन्म 2 नवंबर साल 2003 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। साल 2022 के हिसाब से इनकी उम्र है 19 साल। ईशा के फैमिली ईशा के अलावा उनके मम्मी और पापा हैं। ईशा के फादर का नाम है आशीष मालविया, जो कि एक स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। और ईशा की माँ का नाम है ममता मालविया, जो कि एक हाउसवाइफ है। गाइस, ईशा की माँ का सपना था एक्ट्रेस बनना, लेकिन बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी, इसलिए उनका यह सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन उन्होंने सोच लिया था, मैं अपने बच्चे को एक्टिंग फील्ड में जरूर भेजूंगी। इसने अपनी स्कूलिंग कोंटा मॉडल इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। इसने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटी सी उम्र से ही कर दी थी। ईशा के पेरेंट्स ने ईशा को बचपन से डांस का ट्रेनिंग दिलाई। ईशा जब सिर्फ 12 साल की थी तभी इन्होंने डांस के दीवाने रियलिटी शोज में ऑडिशन दिया था, मगर ऑडिशन राउंड में ही इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और भी बहुत सारे डांस शो में ऑडिशन दिया था, लेकिन उनको ज़्यादातर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। तब ईशा जिस सोसाइटी में रहा करती थी वहाँ के लोग उनको बहुत नेगेटिव कमेंट किया करते थे। वो बोलते थे, ईशा तुझसे नहीं होगा और इस एक्टिंग में क्या रखा है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी सी जॉब ढूंढो, तुम कभी एक्ट्रेस या डांसर नहीं बन पाओगी। और ईशा तब डिमोटिवेट होने लगी। तब ईशा की माँ ने बोला, तुम अपने काम पर ध्यान दो, अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो सिंपल लाइफ ही जियोगे और लोगों के सामने बोलना सीखो, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। उसके बाद ईशा ने अपने सोसाइटी के लोगों को जवाब दिया, बोला एक्टिंग करना कोई बच्चा का काम नहीं है और ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारा मेहनत भी लगता है और रातों रात कोई स्टार नहीं बन जाता है। ईशा ने 12 साल की उम्र में डांस की ट्रेनिंग के साथ साथ मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ईशा ने साल 2012 में रियलिटी शो बोगी बोगी में भी पार्टिसिपेट किया था। साल 2017 में इन्होंने मिस मध्य प्रदेश का टाइटल जीता। उसके बाद इन्होंने साल 2018 में साने मध्य प्रदेश और उसी साल मिस LNCT कंपटीशन पर सेकंड पोजीशन में आई थी। और फिर ईशा ने मिस टीन इंडिया भोपाल का टाइटल भी अपना नाम किया और भी कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया था। और फिर साल 2022 में उनको उदारी सीरियल में जस्मिन का कैरेक्टर का रोल ऑफर किया गया और इस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इन्हें इतना ज़्यादा एक्टिंग करने को मिलेगा इसमें। कभी हंसना तो कभी रोना, ये सब एक्टिंग करने में उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और इस सीरियल में ईशा को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, देखते देखते ये पॉपुलर होती चली गई। वैसे बात करते हैं ईशा की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लोग ईशा और जस्मिन के रियल लाइफ और टीवी लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं और ये सोचकर ईशा को फील होता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरी ऑडियंस मुझसे डिस्कनेक्ट तो नहीं हो जाएगी। फिर उन्हें उनके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उनको समझाया, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। उधर ये शो के चलते ईशा एज ए गेस्ट एप्रिसियंस डांस की दीवानी शो पर भी गई थी और वहाँ अपने आप को रोने से नहीं रोक पाई और उनका बचपन याद आ गया था इनको। तब इनके क्वेश्चन ने इनको पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तो ईशा ने बोला, मैं इस स्टेज को कब से देखना चाहती थी। बस जहाँ कुछ लोग इन्हें हेट करते हैं वहीं बहुत सारे लोग इन्हें प्यार भी करते हैं और इनके एक्टिंग के भी दीवाने हैं। ईशा बचपन में बहुत शरारती थी। ईशा ने अभिप्राय का एक म्यूजिक वीडियो में काम किया है। उदारी शो में काम करते हुए ईशा और अभी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी और ऑडियंस का मानना है ईशा और अभी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अगर वो एक दूसरे से ना मिले और ना बात करें तो वो लोग एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं और वो लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, बात ना करने पर नाराज़ हो जाते हैं और इससे ये साबित हो जाता है कि वो दोनों कितने क्लोज हैं। बट ईशा नहीं मान रही है और बोल रही है, मैं अभी सिंगल हूँ और अभी मेरे अच्छे दोस्त हैं
और बता दिया सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ। गैस हैरानी की बात यह है ईसा सिर्फ 19 साल की है और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है इतनी सी उम्र में टीवी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बना लिया है और अपने पहले शो से ही ये बहुत पॉपुलर हो गई है। और ये सब हासिल कर लेना इतना आसान काम नहीं है। और ईसा और अभी का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर उनका ब्लॉग चैनल का नाम है अभी सब ब्लॉग्स के नाम से। अगर इनको शूट के दौरान टाइम मिल जाता है तो ये लोग ब्लॉग वीडियोस और रील्स वीडियोस बना लेते हैं। इनका यूट्यूब पर अभी के टाइम पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। गाइस अब बात करते हैं ईसा मालवीय की बायोग्राफी के बारे में। उनका फुल नेम है ईसा मालवीय। उनका जन्म 2 नवंबर 2003 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। 2022 की से इनको मरा है 19 साल। प्रोफेशन से एक मॉडल एक्ट्रेस एंड ब्लॉगर है। इनका हाइट है 5'4", वेट है 52 kg अप्रॉक्स। इनका आई कलर है ब्राउन, हेयर कलर है ब्राउन। नेशनलिटी से एक इंडियन है। उनका रिलीजन है हिंदुजम। इसने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। इसे टिकटॉक पर भी वीडियोज़ बनाया करती थी और टिकटॉक बैन होने के बाद वो रील्स पर ज़्यादातर एक्टिव रहती हैं। तो गाइस ये थी ईसा मालवीय की लाइफ स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी। वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू।